नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर, निर्णय अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, छंद के बारे में कुछ विशिष्ट बातें हमने आपको इसके पहले बताई, अब लेके चलते हैं आपको कुछ प्रमुख सममात्रिक छंदों में। मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषममात्रिक। अब लेके चलते हैं पहला सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में पहला छंद द मोस्ट इंपॉर्टेंट छंद है चौपाई छंद। इसके परिभाषा और उदाहरण दोनों बहुत पूछता है। प्रश्न ये उठा, चौपाई छंद कहते किसे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिस चरण छंद के चारों चरण में 16-16 मात्राएं हों, जिस छंद के चारों चरण में 16-16 मात्राएं हों, उसे कौन सा छंद कहते हैं? चौपाई छंद कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सरस अनुरागा अमी अमूरीमय चूरन चारु समन सकल भव रुजि परिवारु आपने देखा कि चार चरण दिया है, चार चरण न दिया रहे, दो ही चरण दिया रहे तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि चारों चरण में 16-16 ही मात्राएं होंगी। कोई उदाहरण दिया हो, कैसे पहचाने कौन सा छंद है? तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले आप क्या करें, इनमें मात्राओं का निर्धारण कर लें। जिस स्वर के ऊपर अनुस्वार लगा होता है गुरु होता है, छोटे स्वर पर लघु होता है, जिसके ऊपर अनुस्वार अगर ह्रस्व स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु लगा होता है तो लघु होता है, छोटे स्वर पर लघु, छोटे स्वर पर लघु, छोटे स्वर पर लघु, लघु लघु, क्योंकि छोटा ही स्वर है, ह्रस्व स्वर है, लघु लघु लघु, गुरु गुरु। अब आप गिन लीजिए मात्राओं को, 2, 1, 3, गुरु को 2 गिना जाता है, द्वि मात्रिक है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसका मतलब एक चरण में कितनी मात्राएं आई? 16 मात्राएं। कौन सा छंद? चौपाई छंद। उत्तर की जांच के लिए आप इनको भी गिन सकते हैं। आप छोटा स्वर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर गुरु, लघु 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 लघु, गुरु गुरु। अब गिनिए आप, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें भी 16 आया, इसको भी आप गिन लीजिए। लघु 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 दीर्घ है ये, इसलिए गुरु, लघु 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 गुरु दीर्घ है, लघु लघु गुरु गुरु दीर्घ वो है। 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे इसमें भी आया है, आएगा सेम टू सेम। लघु 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 ह्रस्व स्वर है ना, लघु 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 गुरु गुरु। देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चारों चरण में 16-16 मात्राएं आई हैं, इसलिए कौन सा छंद है? इसलिए यहां पर चौपाई छंद है। अक्सर इसकी परिभाषा पूछा है, जिस छंद के चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, कौन सा छंद होता है?
चौपाई छंद, नाम से स्पष्ट है चौपाई अर्थात चारपाई, अर्थात चारपाई के जैसे चारों पावा बराबर होते हैं, इसी तरह से चौपाई के भी चारों चरण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके बाद लेके चलते हैं दोस्तों सममात्रिक छंद में दूसरा प्रमुख छंद। कुछ प्रमुख छंद ही के आपके बारे में बताएंगे, उस प्रमुख छंद को ही बताएंगे आपके समक्ष जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। दूसरा छंद है रोला। रोला में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में, चारों चरण में 24 मात्राएं हो, कौन सा छंद होता है, रोला छंद होता है, 24-24 मात्राएं हो। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो, कौन सा छंद होता है, रोला छंद होता है। जैसे जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। दुई चरण लिख करके ही उत्तर की जांच कर लेते हैं। जैसे देखें दोस्तों, सबसे पहले अगर पूछे इसमें कौन सा छंद है, तो आप पूरी लाइन को गिन डालिए, मात्रा गुरु लघु 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 लघु, छोटे स्वर पर लघु और दीर्घ स्वर पर बड़े स्वर पर गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु, गिनिए कितनी मात्राएं हैं। 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, कितनी मात्राएं आई, 24। 24 मात्राएं अगर एक चरण में आए तो कौन सा छंद, रोला। इसको भी गिन करके उत्तर की जांच कर सकते हैं आप, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु गुरु, ये दीर्घ स्वर है। ए 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में आए, कौन सा छंद दोस्तों, रोला छंद है। इसके बाद गीतिका हर गीतिका इत्यादि से नहीं पूछता है, बस थोड़ा सा आप उनके उदाहरण देख लें। जैसे गीतिका मान लिया जाए ये चार चरण हैं, चारों चरण में समान मात्राएं होनी चाहिए। अगर 26-26 मात्राएं हैं तो समझ जाइएगा कौन सा छंद है, गीतिका। इसी तरह से आता है हर गीतिका, अगर चारों चरण में 28-28 मात्राएं हैं तो समझ जाइएगा वहां कौन सा छंद है, हर गीत का है। सममात्रिक छंद में भी ये आते हैं। इसके बाद लेके चलते हैं आपको अर्ध सममात्रिक छंद की तरफ। कुछ प्रमुख अर्ध सममात्रिक छंद, कुछ प्रमुख अर्ध सममात्रिक छंद, आधे सममात्रा समान होंगे। इनमें पहला छंद है जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। इसमें आता है आपका दोहा छंद।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोहा और रोल सोरठा में से किसी एक को ही ध्यान में रखिएगा, नहीं कंफ्यूजन हमेशा बना रहे। आप सिर्फ दोहे पर ध्यान दीजिएगा और उसके बाद सोरठा उल्टा कर दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। दोहा कहते किसे हैं? जिस छंद के ये कौन से चरण हैं? विषम चरण हैं। अर्धसम मात्रिक मतलब आधे ही समान होंगे, विषम आपस में समान होंगे, और ये कैसे चरण है? सम चरण, सम मात्रिक छंद है तो सम चरण है। तो आप देखें यहां पर अर्धसम है तो ये आधे समान, ये आधे समान, आपस में समान होंगे, मतलब विषम चरण में 13-13 और सम चरण में 11-11 अगर मात्राएं आए तो कौन सा छंद होता है? जिस छंद के विषम चरण में 13-13 सम चरण में 11-11 मात्राएं आए कौन सा छंद है? दोहा छंद है। जैसे रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखें यहां पर डबल पूर्ण विराम का अर्थ होता है छंद का प्रयोग इस पंक्ति में हुआ है। पहला और तीसरा चरण कैसा चरण है? ये विषम चरण है। दूसरा और चौथा चरण कैसा चरण है? ये सम चरण है, अर्थात इसमें इसमें 13-13, इसमें और इसमें कितनी मात्राएं? 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। चलिए हम गिन के देखते हैं। लघु 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 छोटा स्वर है ना, गुरु गुरु दीर्घ स्वर है, गुरु लघु गुरु, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 कितनी मात्राएं आई? 13 मात्राएं। इसको भी गिन लेते हैं, लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसका मतलब हुआ कितनी मात्राएं आई? 11। विषम में 13 और सम में 11। गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 11, 2, 13 इसका मतलब इसमें कितनी मात्राएं? 13। मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं आई हैं और दूसरे में 11। अब देखते हैं चौथे में, गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 1, 8, 2, 10, 11। इसका मतलब यह हुआ कि विषम चरण में 13-13, सम चरण में 11-11 मात्राएं। न कुछ ताम धाम आए तो पहले ही चरण गिन लीजिएगा, अगर 13 आ गया तो याद रखिएगा 13 किसी और छंद में नहीं आता है, सिर्फ किस में आता है? दोहा में आता है। अपने यहां आप बता दीजिएगा। इसके बाद आता है दूसरा छंद सोरठा। ध्यान दीजिएगा, आप दोहे और सोरठे में किसी एक को ध्यान दीजिए, हम तो कहेंगे सिर्फ दोहे को ध्यान में रखिए, अपने आप दूसरे को बता देंगे आप। दूसरा छंद है आपका सोरठा, यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। दोहे छंद का ठीक उल्टा, अर्थात इसमें होता क्या है? विषम चरण में, विषम चरण है, आपने देखा दोहे में विषम चरण में 13-13, लेकिन इसमें कितने होते हैं? 11-11। और जो सम चरण होता है, दोहे में 11-11 था लेकिन इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं।
मात्राएं। कौन सा छंद? सोरठा छंद, क्योंकि दोहे का ठीक उल्टा, दोहे में 13-13 इसमें 11-11, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है 11-11 विषम चरण में और 13-13 सम चरण में होता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए आप, इसीलिए हमने कहा था दोहे और सोरठे में किसी एक को ध्यान में दीजिए, अब विशेषता दोहे को दे दीजिए, अपने आप सोरठा पता चल जाता है। जैसे मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, दो चरण से ही आप बता सकते हैं। जरा देखिए तो आप, दीर्घ है गुरु होगा, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11। इसका मतलब पहले चरण में 11 आया तो नो डाउट आपका सोरठा ही होगा। इसके बाद इसका भी आप इसको भी देख ले, इसमें भी मात्रा का निर्धारण करके उत्तर की जांच कर लें, जिसके ऊपर अनुस्वार होता है गुरु होता है लघु, लघु 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 लघु, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। दूसरा है सम चरण में 13 और विषम चरण में 11 मात्रा है, तो कौन सा छंद है दोस्तों? सोरठा छंद है। इसके बाद लेके चलते हैं अगले छंद की तरफ। कभी एग्जाम में पूछे दोहे का ठीक उल्टा कौन सा छंद होता है? सोरठा छंद होता है। एक छंद इसमें और इंपॉर्टेंट है, बारहवें। नाम से स्पष्ट है 12। सही समझा आप लोगों ने कि जिस छंद में 12, अभी कहां विषम चरण में, और ये सम चरण है आप जानते ही हैं, जिस छंद के विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, कौन सा छंद होता है? बरवय। बरवय छंद में विषम चरण में 12-12, सम चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, सरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार, तड़ित विहार। अब देखें आप इसी में गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु, 2, 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, अर्थात पहले चरण में 12 मात्राएं। दूसरे चरण में देख लीजिए आप, लघु गुरु लघु गुरु लघु, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7 मात्राएं है। इसी तरह से इसमें भी देख लें आप, लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 मात्राएं। इसमें भी गिन लीजिए आप, लघु 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 गुरु लघु, 1, 2, 3, 4, 6, 7 मात्राएं। आपने देखा विषम चरण में 12-12 और सम चरण में आपके कितने 7-7 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ कौन सा छंद है? यहाँ अर्धमात्रिक छंदों में बरवय छंद है। इसके बाद बरवय छंद में उल्लाला वगैरह आता है, वो सब नहीं पूछता है। अब लेके चलते हैं आपको विषम मात्रिक छंदों की तरफ।
तीसरा छंद है मात्रिक छंद का कुछ प्रमुख विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंदों में मुख्यतः कितने कितने छह छह चरण माने जाते हैं वाले छंद आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें ज्यादा कुछ आपसे पूछता नहीं परिभाषा वगैरह, बस इतना पूछता है कि कुंडलिया किससे बना है और छप्पे किससे बना है। तो जरा इसी कड़ी को हम बता देते हैं आपको कि कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बना है और छप्पे किन दो छंदों के योग से बना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुंडलिया जो बना है वह बना है दोहा और रोला से, छप्पे जो बना है वह बना है रोला और उल्लाला से। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जरा ध्यान में रख लीजिएगा पहचान के लिए। कुछ देर रो, कुछ देर रो, ये ट्रिक है। को का मतलब हुआ कुंडलिया, कुंडलिया जो बना है वह देर से बना है और ये जो छप्पे जो बना है यह रोला और उल्लाला से बना है। कुंडलिया जो बना है दोहा और रोला से बना है, छप्पे जो बना है वह रोला और उल्लाला से बना है। कभी एग्जाम में पूछे कुंडलिया किससे बना है और दोहा किससे, छप्पे किससे बना है, तो बता दीजिएगा कुंडलिया जो बना है दोहा और रोला से बना है, छप्पे जो बना है रोला और उल्लाला से बना है। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आपका छंद का टॉपिक संपन्न होता है। अब अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।